Hello student, for class 12th, ये lesson short story का जो आपका चल रहा है and astrologers day, ये आज समाप्त हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है। इससे पहले आपको पढ़ाया था मैंने, ये गुरु नायक नाम का जो ग्राहक एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा था, उसने उसको बताया कि तुम्हारा झगड़ा हुआ था और तुम्हें चाकू मारा गया था, और ये सब होने के बाद ये बताया कि वह, जब उसने पूछा कि मुझे बताओ कि वो मुझे कब मिलेगा, तो उसने बताया वो तो अब नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक ट्रक के नीचे दब करके मर गया। काफ़ी संतोष हुआ उसे यह सुन करके। ही वॉज क्रस्ड अंडर ए लॉरी, वह एक ट्रक के नीचे दबकर मर गया। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और दूसरे को यह सुन करके थोड़ा संतोष हुआ। इसके आगे से पढ़ाना है, द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाई द टाइम, इस समय तक स्थान सुनसान हो चुका था, यानी जहाँ वह स्थान था, दुकान लगाए हुए था, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, जब तक सारे लोग अपनी अपनी दुकान समेट कर घर जा चुके थे। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल, ज्योतिषी ने अपने सामान को समेटा एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और अपने बैग में रखा। द ग्रीन शेफ्ट वाज आल्सो गॉन, और जो हरी लाइट आ रही थी दूसरी दुकान से वो भी जा चुकी थी क्योंकि सारे दुकानदार अब जा चुके थे, बहुत देर हो गई थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, सारे दुकानदार जा चुके थे और वहाँ था केवल अंधेरा और सन्नाटा, साइलेंस, अंधेरा था चारों ओर सन्नाटा। द एस्ट्रोलॉजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, एस्ट्रोलॉजर भी चला गया। After giving the astrologer, the stranger had gone, वह अपरिचित व्यक्ति था जो यानी क्लाइंट था गुरु नायक, had gone off into the night, वो भी रात में गुम हो गया जा करके, यानी वो भी चला गया। After giving the astrologer a handful of coin, astrologer को एक मुट्ठी सिक्के दिए, जैसा कि उसके उन दोनों के बीच में तय हुआ था कि तुम एक रुपये दोगे और अगर एक रुपये नहीं दिया तो मैं मुंह नहीं खोलूँगा, उसने कहा ठीक है अच्छा, और सब बताया तो सन्नाटा हो गया था। एक मुट्ठी रेजगारी थी पूरी डाली, ज्योतिषी ने गिनी नहीं गिनती है, और वो सब लेकर के घर पहुँचा। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुँचा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, और जब कोई व्यक्ति रात में देर से पहुंचता है तो घर में उसका क्या होता है ये देखो, जब देर में पहुंचता है कोई व्यक्ति तो रात में उसकी पत्नी वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, दरवाजे पर ही इंतज़ार कर रही थी, आने दो देखेंगे कितनी देर होगी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और दरवाजे पर ही पूछा बताओ देर क्यों, एक्सप्लेनेशन पहले समझाओ, पूरा इसका ब्यौरा दीजिए कहाँ रहे। बस सबसे बड़ी कमजोरी भी औरतन की, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, चाहे जितनी गुस्से में हो, चाहे जितना कुछ पूछ रही हो उसको, तो थोड़ा पैसा दे दो खुश। तो यहाँ पर भी उसने यही किया, वो गुस्से में थी और पूछा इतने देर कहाँ रहे, उसने क्या किया, ही फ्लंग्ड द कॉइन एट हर एंड सेड, जो सिक्के मिले थे उसको मुट्ठी भर उसने दिए उसको, ये लो, और कहा काउंट देम, कहा बैठ के गिनो इन्हें। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने दिए ये सब, अब उसका गुस्सा रफू चक्कर हो गया, गुस्सा ख़त्म, और बैठ के पैसे गिनने लगी उसी से। 12 and a half आना सी सेट, और उसने कहा गिनो कितने हैं, तो उसने बताया कि 12:30 आने हैं, 12 and a half, काउंटिंग गिनती हुई कहा 12:30 आने हैं। शी वाज ओवर जॉयड, बहुत खुश थी वह, ओवर जॉयड यानी बहुत ज़्यादा खुश, पहले जहाँ बहुत ज़्यादा नाराज थी, गुस्से में थी, बताओ लेट क्यों आए, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गई, भूल गए कि तुम गुस्से लेट आया है।
I can buy some jaggery and coconut tomorrow. और जब औरतों के पास पैसे आए तो सबसे पहले क्या खरीदने की सोचती हैं? मैं गहने खरीदूंगी एंड और क्या खरीदूंगी? कोकोनट, कोकोनट गरी। कल मैं कोकोनट खरीदूंगी और गहने खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ। बच्चे काफ़ी दिन से मिठाइयों की मांग कर रहे थे। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और मैं उनके लिए मिठाई बनाऊँ। पैसे आ गए ना हाथ में, तो जितने जल्दी आते हैं औरतों के पास उतने जल्दी खर्च भी हो जाते हैं। तुरंत आए नहीं तो प्लान बना लिया कि हम कल गहने खरीदेंगे, कोकोनट खरीदेंगे, मिठाई बनाएंगे, लेकिन गुस्सा समाप्त हो गया। उसने कहा गिन करके, 12:30 आने हैं। द स्वाइन हैज चीटेड मी, ही प्रॉम्प्टेड मी ए रुपी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा उस सुअर ने मुझे ठग लिया। स्वाइन माने पिग का, ये पिग ये मास्कुलिन जेंडर है और स्वाइन फेमिनिन जेंडर है। क्या सुअर ने मुझे ठग लिया? ही प्रॉमिस्ड मी ए रुपी, उसने 1 रुपया देने का वादा किया था, 12:30 आने दिए, मैंने 1 रुपया देने का वादा किया था। शी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, मैंने इतने सारे तो पैसे मिल गए फिर ये कह रहा है कि ठग लिया। यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, और चेहरे की तरफ देखा तो तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? अपने पति को थोड़ा चिंता में देखा तो कहा बहुत चिंतित लग रहे हो, बात क्या है? नथिंग, कह रहे कुछ नहीं, बात कुछ नहीं है। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायोल ही टोल्ड हर, खाना खाने के बाद फिर दोनों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद चारपाई में बैठ करके बातें की दोनों ने। ही टोल्ड हर, तब जो एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पत्नी को बताया, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। कौन सा बोझ? आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड ऑल दीज ईयर्स, अब तक मैंने इतने सालों तक मैं यही सोचता रहा कि एक व्यक्ति के मेरे हाथ खून से रंगे हैं, यानी एक व्यक्ति के खून से मेरे हाथ रंगे हैं। अर्थात कहने का मतलब मैंने एक व्यक्ति का खून किया है, इसका उसे पश्चाताप था बहुत ज़्यादा। That was the reason why I ran away from home, और यही कारण था कि मैं घर से यहाँ भाग कर आया था। Settled here, यहाँ आकर बस गया। And married you, और तुमसे शादी की। ये जो लाइफ, और वह जिंदा है कौन, जिसके बारे में मैं सोच रहा था आज तक कि मैंने एक व्यक्ति का खून किया है, वो जिंदा है। तो एक जो बोझ हट गया वो उसने बताया कि मैं जिसके बारे में सोचता रहा कि आज तक वो मैंने उसका खून किया और जिसके वजह से मैं यहाँ भागा आया था, वो आज जिंदा है, मुझे मिला, वो जिंदा है। शी ग्रेस्प्ड यू किल टू यू ट्राई टू किल, और उसकी पत्नी ने मुँह में हाथ लगाया, आश्चर्य किया बहुत, अरे तुमने किसी को मारने की कोशिश की, मतलब तुम इतने सीधे साधे। पत्नी उसकी बोली, मच्छी तो मरती नहीं, तुमसे किसी आदमी को मारने की कोशिश की तुमने? यस इन आवर विलेज व्हेन आई वाज सिली यंगेस्टर, उसने बताया हाँ जब मैं छोटा था, सिली यंगेस्टर यानी युवक था बहुत, गांव में रहता था, वी ड्रैंक गैम्बल, हमने एक बार दारू पी, गैम्बल और जुआ खेला, एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बहुत लड़ाई झगड़ा किया। अब भाई भाई थिंक ऑफ इट नाउ, ये तुम आज क्यों सोच रहे हो? भाई तुम पहले करते थे कोई बात नहीं, पहले छोटे थे तुम कर लिया, लेकिन आज क्यों सोच रहे हो इस बात को? इट इज़ टाइम टू स्लीप, चलो अच्छा सोने का समय हो गया, छोड़ो आप, अब सब छोड़ो। उसने कहा सोने का समय हो गया। ही सैड यानिंग, यमहाई देते हुए उसने कहा, एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पायर, और वही चारपाई पे लेट। ये लेसन आपका आज ये समाप्त हुआ।
बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है एस्ट्रोलॉजर का। एक बार फिर से मैं पूरी स्टोरी इसकी आपको रिपीट कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी है जो गांव का रहने वाला था और एक बार इसका अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया और झगड़े में इसने अपने दोस्त को चाकू मार दिया और चाकू मार करके उसे मरने के लिए कुएं में ढकेल दिया और वहाँ से भाग आया। लेकिन इतना डर था कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले, किसी को पता ना चल जाए उसकी लाइफ का क्या होगा, इसलिए भाग कर एक शहर में आया और यहाँ बस गया। यहाँ यहीं पर उसने शादी की और अपनी जीविका चलाने के लिए ढूंढ ढूंढ का ज्योतिषी बन गया, यानी लोगों के भविष्य को बताने लगा। जैसे अपने भविष्य का पता नहीं था कि कल हमारा क्या होगा, वो दूसरे के भविष्य को क्या बता सकता था, लेकिन जीविका कमाने के लिए उसने ये काम किया। और आखिरकार वही गुरु नायक नाम का लड़का जिसे ज्योतिषी ने मारा था, ढूंढते ढूंढते उसको वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसने पहचान नहीं पाया, ज्योतिषी ने उसको पहचान लिया। और फिर जब उसने पूछा अपने भविष्य के बारे में, क्योंकि उसी की करामात थी, सारी चीज़ें सही सही बता दी, उसने समझा गुरु नायक ने कि ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है, जबकि उसका ही करा धरा था। वो फिर उसको संतुष्ट करके उसे को गाँव भेजा और उससे पैसे भी झटके, और फिर ज्योतिषी के सर से एक बड़ा बोझ हट गया कि वह समझता था कि मैं खूनी हूँ, वो उसका बोझ ख़त्म हुआ और फिर वह आराम की ज़िंदगी जीने लगा। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन समाप्त हुआ। कल इसकी क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँगा और तब तक आप लोग अपना इस लेसन का रिवीजन करिए और कल इसके फिर क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। थैंक यू।